हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज जुम्मतुल विदा के मौके पर चार मीनार के करीब वाक़ तारीखी मक्का मस्जिद का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने हालात का जायजा लिया और ओहदेदारों को हिदायतें दी। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए जहां उन्होंने आने वाली ईद के लिए तमाम मुसलमानों को पेशगी मुबारकबाद दी, साथ ही उलमा किराम की जानिब से दी गई नमाज ईद उल फित्र अपने घरों पर ही अदा करने की हिदायत पर अमल करने की अपील की। जमातुल विदा रमज़ान का आखिरी जुम्मा, आज के दिन हमारे सभी मुस्लिम भाई और बहनों को हमारे तरफ से मुबारकबाद। आने वाले ईद के लिए भी एंटायर डिपार्टमेंट के तरफ से सभी को ईद मुबारक। उलामा इकराम और सभी बुज़ुर्गों के तरफ से जो हिदायत दी गई है कि ईद अपने घर से मनाएं, अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ मनाएं। अभी के माहौल में कोरोना से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है और पिछले दो महीने से ज़्यादा समय से हैदराबाद के जो आवाम के तरफ से एक कोऑपरेशन, एक सपोर्ट इस वायरस से, इस वबा से बचने के लिए जो कोशिश की जा रही है वो वाकई काबिले तारीफ़ है। और इसी तरीके से आने वाले कुछ समय में भी हम लोग अपने ऊपर ये कंट्रोल रख कर दिखाएँगे कि हम लोग मिलकर ये कोरोना वायरस को हैदराबाद से बाहर करेंगे। ऐसे मौके पे पूरे हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से, सिटी पुलिस के सभी अफसरान, सभी ऑफिसर्स के तरफ से आप सबको एडवांस में ईद मुबारक।